ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वह बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और इसकी सुविधाएं कम पड़ गई, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी। बहरहाल हम नए और पुराने संसद भवन के बारे में वो बताने जा रहे हैं जो हमें जाननी चाहिए। हम पुराने संसद भवन का एक सीक्रेट भी बताएंगे जो आप शायद ही जानकर हैरान हो जाएंगे। मौजूदा या कहे पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ। सवाल, तब उद्घाटनकर्ता कौन थे? तब भारत के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, इसलिए उस टाइम पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं, वाइस राय के जरिए ब्रिटेन की सरकार हम पर हुकूमत किया करती थी। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वाइस राय थे, इस कारण भारत के संसद भवन के उद्घाटन का सौभाग्य भी उन्हीं को मिला। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन किया था, तब उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम किया करती थी। इस हाउस के अंदर 1957 के अंदर दो मंजिले और जोड़ी गई। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की डिजाइन को तैयार किया जाता है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिन मंदिर के आदित्य गोलाकार आकार के परिषद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस वक्त संसद भवन बनकर तैयार होने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था, लेकिन बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी और वर्ष 1957 में संसद भवन में दो और मंजिलों को जोड़ा गया। क्या आपको यह सीक्रेट पता था? फिर वर्ष 2006 के अंदर संसद संग्रहालय बनाया गया, जिसके अंदर भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को प्रदर्शित किया गया। अब बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। 1200 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। नई संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। नए संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया। इसकी डिजाइन गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HPC डिजाइन्स ने तैयार किया। HPC डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 563 सीटें जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं, जबकि नए संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः 888 लोकसभा की और 300 सीटें राज्यसभा की है। लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र के दौरान राज्यसभा के सांसद भी लोकसभा में ही आ जाएंगे, तब लोकसभा में 1280 सांसदों की बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जबकि पुराना संसद भवन 3 मंजिला ही था। कार्यपालिका प्रमुख बनाम विधायिका अध्यक्ष। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि विधायिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति विधायिका के अध्यक्ष होते हैं। बल्कि संसद का निर्माण ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इन्फॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।